नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। सबसे पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अगर किसी ने भी ट्रिपल पी में कोई करेक्शन करवानी है या किसी ने लेबर कॉपी अपडेट करवानी है या कुछ भी करवाना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाना है, तो हमसे कंसर्न कर सकता है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है जी, HSSC की CET की बिग अपडेट है। 1, 2 और 56 नंबर ग्रुप के एग्जाम डेट इशू हो चुकी है। GBT MPHW भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ग्रुप डी रिजल्ट महाधमाका, TGT रिजल्ट का महाखुशखबरी, पूरी की पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार ग्रुप डी के नए पद HSSC को भेजेगी। पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को होगा नई क्रीमी लेयर का फायदा। ठीक है जी, जो पिछड़े वर्ग के हैं यानी कि SC BC के हैं और उनको फायदा होने वाला, न्यू क्रीमी लेयर बनाने जा रही है सरकार। तो ग्रुप डी के पुराने विज्ञापित पदों का रिजल्ट अब TGT पदों के साथ जारी करने की कवायद है। जल्द से जल्द ये हो सकते हैं जारी। ठीक है जी, पूरी अपडेट जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा सरकार ग्रुप डी के नए पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजेगा। उसका पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों को फायदा होगा जो क्रीमी लेयर सीमा बढ़ने, वेतन और कृषि आय बाहर होने के कारण पिछड़े वर्ग का लाभ लेने के पात्र हो गए हैं। आयोग को ग्रुप डी के पुराने विज्ञापित पदों का रिजल्ट घोषित करना था, मगर बीच में प्रदेश सरकार की तरफ से ग्रुप डी के नए पद भेजे गए जाने की चर्चा चल पड़ी और मुख्य सचिव ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के को भी ग्रुप डी ग्रुप सी के नए रिक्त पदों की जानकारी आयोग को भेजने के लिए कई बार कहा हुआ है। और बोर्डों, निगमों के रिक्त पदों की जानकारी आयोग के पास सीधे जाती है, जबकि सरकारी विभागों में ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से भेजी जाती है, क्योंकि ग्रुप डी का कॉमन कैडर है। मुख्य सचिव कार्यालयों ने विभागों को से यह जानकारी जुटा ली है, मगर अब यह फैसला हुआ है कि चूंकि पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर सीमा 8 लाख रुपए हो गई है और वेतन और कृषि आय इस 8 लाख रुपए से बाहर हो गई है, इसलिए ग्रुप सी और डी के जितने भी अब विज्ञापित पद हैं उनमें पिछड़े हुए वर्ग के उम्मीदवारों को लाभ मिल सके, क्योंकि ग्रुप डी के नए पद अलग से विज्ञापित होंगे जो ग्रुप डी के हैं। और ग्रुप डी के पुराने विज्ञापित पदों का रिजल्ट भी अब TGT पदों के साथ घोषित करने की तैयारी कर रही है सरकार। और TGT पदों के उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच आंतरिक तौर पर चल रही है, जैसे ही ये जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद TGT का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। दस्तावेज में 3-4 दिन का समय लग सकता है जाँच होने में। इस तरह TGT और डी ग्रुप डी के पदों का रिजल्ट 1 सप्ताह के बीच में घोषित हो सकता है और एक साथ रिजल्ट घोषित होने से सकारात्मक माहौल बनने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है जी, और ग्रुप सी के बचे हुए पदों का जो विज्ञापन है वो 5 दिन के बीच बीच संभव है। तो यहाँ पर देख सकते हो GBT के जो 1398 पदों का विज्ञापन मौलिक शिक्षा विभाग के VAT कराया जाएगा। ठीक है, और MPHW के मेल पद हैं जो MPHW के, ठीक है जी, तो पूरा बता देते हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य विभाग MPHW मेल के 700 पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास पिछले सप्ताह भेजे गए थे। आयोग के पास इन पदों पर भर्ती करने का आग्रह पत्र पहुंच गया, मगर उन्हें विज्ञापित करने में अभी भी समय लग सकता है। तो ये बता दें आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं जी आज की। और ये MPHW के 700 पद भी विज्ञापित होंगे दोबारा से, तो और ग्रुप डी की दोबारा से भर्ती भी होने के आसार जताए जा रहे हैं।
और एक और अपडेट है जो कल भी आपको डिटेल बताई थी, जो बच्चों ने हल्ला मचाया था भी, हमने जो पहले कह लें कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था मैन्युअली, जो हाइट उनकी काउंट हुई थी, बट जो अब मशीन के थ्रू तौर पर हाइट काउंट हो रही है वो गलत है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जिनकी हाइट छाती फुलाम में कोई कमी है वह आयोग से संपर्क करें, दोबारा हो सकता है उनका PMT। ठीक है जी, और यहाँ पर देख सकते हो शॉर्टलिस्टेड करते समय BCA BCB के सर्टिफिकेट 1/4/2023 के बाद मांगा गया था। जिन्होंने 1/4/2023 से पहले का सर्टिफिकेट अटैच किया उन्हें BCA B कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि 1/4 के बाद का मांगा है, जिनके पास 1/4 के बाद का सर्टिफिकेट है उनको ही फायदा मिलेगा और किसी को नहीं। अगर किसी की हाइट कम है, छाती की फुलाम में कमी है, वह आयोग से संपर्क कर सकता है। HSSC ने घोषणा की है भी उनका दोबारा से PMT किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल देख सकते हो, पुलिस सिपाही पदों के लिए PMT का नोटिस जारी हो चुका है और 26 जुलाई से उन्हें बुलाया गया है। आखिरी दिन PMT के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से गैर हाजिर हुए रहे उम्मीदवारों को PMT के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद 1 अगस्त से PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू हो सकता है। किसी को डाउट हो वो HSSC प्रो पहुंच के अपना PMT दोबारा करवाने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ग्रुप 1, 2, 56 और 57 के जो उम्मीदवार कर रहे हैं पेपर का शेड्यूल घोषित होने का इंतजार, उनके लिए भी खुशखबरी है। ये बड़े ग्रुप हैं शॉर्टलिस्टेड किए हुए, करने के लिए कैटेगरी पद अनुसार बनाने का पद अनुसार का फॉर्मूला लगाना है। इसलिए कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो सभी पदों के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, इस पर काम अभी चल रहा है। इसी तरह पेपर लेने के लिए हर पात्र को शॉर्टलिस्ट में स्थान मिले इसलिए आयोग की तरफ से दस्तावेज जांच का काम चल रहा है, जो कि पहले भी हाई कोर्ट ने कहा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है पहले दस्तावेज जांच करें फिर आप एग्जाम करें कंडक्ट करें। तो अब दस्तावेज की जांच चल रही है इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। तो उम्मीदवारों की मांग है कि पेपर लेने से कम 10 दिन का समय जरूर दिया जाना चाहिए, यानी कि 10 दिन बाद एक पेपर की डेट का बताया जाए, ये नहीं भी 2-4 दिन के भीतर बता दें। तो ये कैंडिडेट्स ने कहा भी हमें 10 दिन पहले बताया जाए, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं भी। ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो TGT पदों के साथ विज्ञापित किया जाएगा। ठीक है जी, और किसी की भी पुलिस भर्ती में PMT में जिन उम्मीदवारों की हाइट या छाती में फ्लाम में कोई अंतर है वे आयोग से संपर्क कर सकते हैं। और MPHW के 700 पदों की विज्ञापन दोबारा जारी होगा और जो ग्रुप सी के बचे हुए पद हैं उनका विज्ञापन 5 दिन के भीतर भीतर जारी हो सकता है। और ग्रुप 1 और 2, 56 और 57 के उम्मीदवारों का जो पेपर का शेड्यूल है वो भी जल्द से जल्द घोषित किया जा सकता है। ठीक है जी, और ये सबसे बड़ी है जी, हरियाणा ग्रुप डी के जो नए पद हैं उनका जब जल्द से जल्द दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जैसे ही होता वो भी अपडेट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये आज की नई अपडेट्स थी, बहुत बड़ी है जी, तो आपके लिए बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव है भी। इसमें आपको एक तो ग्रुप डी के नए पदों का जो है नई क्रीमी लेयर का फायदा मिलेगा। ठीक है, नए पद विज्ञापित होंगे तो दोबारा से फॉर्म फिलअप होने ग्रुप डी के शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जिनकी PMT पुलिस भर्ती में PMT के उम्मीद हाइट वगैरह कम है वो उनके लिए है और MPHW के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये अपडेट बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।